नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल निस्वार्थ ज्ञान पर। आप सभी लोग जानते हैं कि 26 सितंबर 2024 यानी गुरुवार को पड़ रही है पितृपक्ष महीने की नवमी तिथि। और दोस्तों, ये वो नवमी तिथि है, वो पितृपक्ष महीने में पड़ने वाली सबसे बड़ी नवमी है, क्योंकि यह पितृपक्ष महीने में गुरुवार के दिन पड़ रही है। तो दोस्तों, गुरुवार के दिन आपको ये उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो, गुरुवार नवमी का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वो सात चने की दाल वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस गुरुवार नवमी के दिन आप लोगों को इस सात चने की दाल वाले उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस सात चने की दाल वाले उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है जो कि 26 सितंबर के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस श्राद्ध पक्ष महीने की नवमी तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है। जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं, इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये इस पितृपक्ष महीने के गुरुवार नवमी के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो पितृपक्ष महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है, जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस सात चने की दाल वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नम शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस सात चने की दाल वाले उपाय को हमें इस गुरुवार नवमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको सात चने की दाल वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन एक चने की दाल का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए सात चने की दाल की, तो ये सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस गुरुवार नवमी का। तो अब दोस्तों, इस सात चने की दाल वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस चने की दाल वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, इस तरह चने की दाल वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें शिवजी के मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर पर नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस सात चने की दाल वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, बाकी अगर शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना, बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है, इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु गुरुवार के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो, आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। सबसे पहला उपाय विशेषकर आपको सात चने की दाल से करना है, तो इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेना है। इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखो दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है, सबसे पहले तो उन पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला कर लेना है। अब इस चने की दाल को आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और आपके जीवन में जो दुर्भाग्य चल रहा है, आपके जीवन में जिन भी कार्यों में आपको रुकावट उत्पन्न हो रही है, जिन भी कार्य में आप बार बार असफल हो जाते हैं, तो आपको प्रार्थना करनी है, हे महादेव, मुझे इन सभी कार्यों में सफलता प्राप्त हो तथा मेरे जीतने भी कार्य अटक रहे बस सभी परिपूर्ण हो। और ये 7 चने की दाल आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए गुरु जी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से चने की दाल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन से सारा दुर्भाग्य दूर हो जाता है। अब दोस्तों, अंत में जो एक जल का पात्र है आपके पास, इसे भी आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए बस इतना सा उपाय करना है, आपको आपके जीवन का जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होगा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय के बारे में। यह उपाय विशेषकर आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें परिपूर्ण करने वाला है। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कई प्रकार के उपाय कर लिए हैं, लेकिन महादेव अभी तक आपकी जो मनोकामना है उसे परिपूर्ण नहीं कर रहे हैं, तो आपको ये उपाय जरूर करना है। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, इसी के साथ मैं आपको एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। देखिए, गुरुवार के दिन यदि हम गुड़ वाले जल से उपाय करते हैं तो
तो बहुत ही चमत्कारी माना जाता है और इससे जो हमारा बृहस्पति ग्रह है वह भी मजबूत होता है। बृहस्पति ग्रह यदि हमारा मजबूत होता है तो हमें कभी भी जीवन में धन संपदा की कमी नहीं होती है। हमारे जीवन में जो दुर्भाग्य होता है वह भी सौभाग्य में बदल जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको एक गुड़ का टुकड़ा लेना है, एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है और इन दोनों सामग्री को लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। अब दोस्तों, इसे गुड़ के टुकड़े को आपको उससे जल के पात्र के अंदर डाल देना है और गुड़ से युक्त जल आपको तैयार कर लेना है। आप इस जल को आपको भगवान शिव की शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन इस प्रकार से यह गुड़ वाला जल समर्पित कर देता है शिवलिंग पर, उसके जीवन में कैसी भी कोई भी मनोकामना होगी वो हमारे महादेव परिपूर्ण कर देते हैं। तो आपको मनोकामना पूर्ति के लिए ये छोटा सा और सरल सा उपाय भी अवश्य ही करना है। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं तीसरे विशेष उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर शुद्ध जल लेना है। इसी के साथ मैं आपको 11 चावल यानी कि अक्षत के दाने लेना है। देखें, चावल के दानों को लेते समय आपको ध्यान रखना है कि ये कहीं से भी टूटे हुए या फिर खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ में आपको थोड़ा सा पीला चंदन भी लेना है। अब देखो दोस्तों, सबसे पहले तो इन सभी सामग्रियों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चावल के दाने हैं उनमें आपको ये पीला चंदन थोड़ा सा डाल देना है और उन चावल के दानों पर आपको थोड़ा सा जल डाल करके उन्हें गीला करना है, यानी कि उन चावल के दानों को आपको पीला कर लेना है। इसी प्रकार सबको इन चावल के दानों को तैयार करना है, यानी कि यह जो चावल के दाने हैं स्वर्ण के समान हो चुके हैं और ये जो आपने चावल के दाने स्वर्ण के समान जो तैयार किए हैं इन्हें आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर समर्पित कर देने हैं। बृहस्पतेश्वर महादेव का मन से स्मरण करते हुए देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी व्यक्ति पीले चंदन से युक्त इन चावल को तैयार करके शिवलिंग पर गुरुवार के दिन इस प्रकार से समर्पित कर देता है उसके जीवन में जितना भी दुर्भाग्य है वह सभी दूर होने लगता है और जीवन की जो दरिद्रता है उससे भी उसको मुक्ति मिलने लगती है। अब दोस्तों, अंत में जो आपके पास एक तांबे के पात्र के अंदर जल है इसे भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए और बृहस्पतेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते हुए देखिए, ये सभी उपाय छोटे छोटे हैं लेकिन इनका जो फायदे है वह बहुत ही अधिक मिलेंगे। आपके जितने भी कार्य हैं वह सभी सिद्ध होते चले जाएंगे। आपके जितने भी कार्य में आपको रुकावटें आ रही हैं बस सभी दूर होती जाएंगी। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं चौथे विशेष उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको लेना है 11 चावल के दाने। गुरु जी ने कहा है चावल के दाने खंडित नहीं लेने हैं, बिल्कुल साबुत होने चाहिए। उसके साथ में आपको लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र का भी एक नियम है, अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग से उठाकर उसको पुनः शुद्ध जल से धोकर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रकार आपको बेलपत्र लेना है। इसके बाद आपको एक लोटा जल लेना है। अब ये सब सामग्री लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, अब आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है और सबसे पहले आपको एक बेलपत्र अपने हाथ पर और 11 चावल दाने रखकर शिवलिंग के ऊपर अपना नाम और गोत्र बोलते हुए समर्पित कर देना है और ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का लगातार जाप करना है। अब आपको जो एक लोटा जल साथ में लेकर आए थे उसे धीरे धीरे बेलपत्र और चावल दाने के ठीक ऊपर आपको समर्पित करते जाना है और शिव पुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का 11 बार जाप करना है और अपनी मनोकामना बोलते जाना है। देखो, बस छोटा सा उपाय करना है, देखना एक दिन आपके सब काम बनने लग जाएंगे। गुरु जी का बहुत ही विशेष उपाय है। चलते हैं तीसरे उपाय की तरफ। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का प्रयोग करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप
मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का प्रयोग भी आप लंबी पाती वाले दीपक के अंदर कर सकते हैं। देखिए, दो दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है, इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र एक छुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में। जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है, वहां पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का 11 बार जाप कर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं, उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन 11 काले तिल को घड्डी की दिशा में घुमाना है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है, हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं, हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह भी परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है, विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस प्रकार से आपको ये दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में माता लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है, फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है, उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घट डी डी ढी की दिशा में घुमाना है और आपको ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसे दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक छुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है, माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होती है, वह गुरुवार दशमी के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को गुरुवार दशमी के दिन करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है, पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। गुरुवार दशमी के दिन इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को आप लोगों को कर लेना है। दोस्तों, अब हम समझते हैं इस वाले उपाय को हमें करना किस समय है। तो सबसे पहली बात दोस्तों, हम समझते हैं कि ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय करना किसको है। तो देखिए, यहां पर सीधी सी बात है कि ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है ये किस लिए किया जा रहा है। यह मनोकामना को पूर्ण करने के लिए किया जा रहा है या आपके जीवन में जो दुख और परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए किया जा रहा है, या आपका कोई बड़ा काम है जो कि नहीं हो पा रहा है, आप उसके लिए इस उपाय को कर सकते हो। तो सीधी सी बात यह है कि आप अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना के लिए इस वाले उपाय को कर सकते हो। तो यह उपाय वह व्यक्ति कर सकता है जिस व्यक्ति को अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना भगवान शिव जी से पूर्ण करवानी हो, और अगर कोई भी माताएं बहनें जो है अपने घर की सुख और शांति के लिए
घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए वाला उपाय करना चाहती हैं, तो घर की जो बड़ी माताएं बहनें होंगी वह इस 5 करर के फूल वाले उपाय को विशेष रूप से करें, क्योंकि माताएं बहनें घर की लक्ष्मी होती हैं और जब घर की लक्ष्मी कोई विशेष उपाय करती है तो उसका फल ही बहुत जल्दी मिल जाता है और बहुत बड़ा होकर मिलता है। अन्यथा इस उपाय को कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह बड़ा हो, चाहे वह छोटा हो, चाहे वह बच्चा हो। जिस व्यक्ति को ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय समझ आ गया, वह व्यक्ति इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को गुरुवार दशमी के दिन जरूर करें, क्योंकि उसको इस उपाय को फल बहुत ही जल्दी मिल जाएगा, क्योंकि गुरुवार दशमी के दिन भगवान शिव जी बहुत आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अब हम समझते हैं कि इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को आपको करना कैसे है और इस उपाय को करने का जो समय है वो क्या है। तो देखिए, इस गुरुवार दशमी के दिन किए जाने वाले ये 5 कनेर के फूल वाला जो उपाय है, यह मुख्य रूप से सुबह के समय होगा। किस समय होगा? सुबह के समय होगा। आपको कोशिश यही करनी है कि सुबह के समय हम इस 5 कनेर के फूल वाला उपाय को कर लें। पर किसी कारणवश अगर आप सुबह इस उपाय को ना कर पाओ, आपको कहीं काम से जाना हो या किसी और काम की वजह से आप उपाय को ना कर पाओ, तो आपके पास फिर दूसरा मौका रहेगा जो कि शाम के समय का रहेगा, प्रदोष काल का रहेगा। अब भाई, प्रदोष काल का समय भी एक बहुत ही लोगों के मन में प्रश्न बन जाता है कि भाई यह समय होता कब है, कितने बजे से लेकर कितने बजे यह समय होता है, ताकि हमें उपाय के लिए जो है करने का समय पता लग जाए। तो हम आपको बता दें, प्रदोष काल का जो एक समय होता है, शाम का समय, वो होता है शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच का। इस समय के बीच में आप उपाय को करेंगे तो आपको उस उपाय का जरूर फल मिलेगा। तो शाम के 6 बजे से लेकर शाम के 7 बजे के बीच में आप लोग इस 5 कनेर की फूल वाले उपाय को कर सकते हो। तो भैया, बहुत सारे लोग यहाँ पर यह प्रश्न भी जरूर करेंगे कि भाई हम तो नौकरी पे जाते हैं, हम अपनी ड्यूटी पे जाते हैं और आने में हमें देर हो जाती है, तो उस जगह पर हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, उन लोगों को भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग इस उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में कर रहे हैं और अगर आप आने में देरी भी हो जाती है, आपको आने में 7 बजे तक आप नहीं पहुंच पाते हो, तो भाई आप 7 या रात 8 बजे तक भी अगर उपाय को करोगे तो भी चल जाएगा। और अगर इससे भी थोड़ा देर हो जाती तो भी आप उपाय को कर सकते हो, क्योंकि गुरुवार दशमी का दिन है। यह दिन बहुत ही कम आता है पूरे साल भर में, इसलिए जब आपको मौका मिल जाए, जब आप इस उपाय को जरूर कर लेना। कोई भी उपाय हो, आप कभी भी कर सकते हो। गुरुवार दशमी के दिन बस कोशिश करना कि समय के थोड़ा मतलब अंतर्गत ही कर लो। पर किसी कारणवश अगर ना कर पाओ तो फिर आप थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा, क्योंकि भगवान शिव विजन बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं सभी भक्त गणों से जो उनको प्रसन्न करते हैं। तो अब हम यहां पर समझते हैं कि आपको उपाय कैसे करना है। सबसे पहली चीज दोस्तों, ये जो उपाय है, ये 5 कनेर के फूल वाला उपाय है, तो सीधी सी बात है, इस उपाय में हमें 5 कनेर के फूल तो लेने ही लेने पड़ेंगे। अब यहां पर एक सबसे बड़ी गलती होती है जो कि आप उपाय में करते हो और आपको पता भी नहीं लगता है, जो कि हम आपको बताते हैं। देखिए, जो आप 5 कनेर के फूल लेकर आओगे, सबसे पहले तो कनेर का फूल आप लोगों को पता होगा कि कैसा होता है। हम आपको जब भी बता देते हैं, कनेर के फूल वो होते हैं जो कि पीले कलर के होते हैं, लंबे लंबे से होते हैं। आप लोगों ने देखे भी होंगे, आप लोगों ने जो थंबनेल में फूल देखा हुआ था वही कनेर का फूल होता है। तो आप लोगों को वैसे ही 5 कनेर के फूल लेकर आने हैं। ये कनेर के फूल आप लोगों को बहुत आसानी से मिल जाते हैं, बस आपको इसका पेड़ ढूंढना होता है और बहुत सारे फूल उसमें लगे हुए होते हैं, कुछ भी कमी नहीं होती है। बस दोस्तों, आपको यहां पर ध्यान इस बात का रखना है कि अगर ये 5 कनेर के फूल जो है, मतलब कनेर के फूल का पेड़ जो है, कहीं बाहर लगा हुआ है, वो किसी के अंडर में नहीं लगा हुआ है, किसी का वो पेड़ नहीं है, तो आप बिना पूछे जो है वह कनेर के फूल तोड़कर ला सकते हो। पर अगर कोई सा कनेर का पेड़ किसी के घर के अंदर लगा हुआ है और आपको वह कनेर के फूल उसके घर के अंदर से चाहिए, तो भाई उससे पहले पूछना कि भाई हम जो है आपके पेड़ में से 5 कनेर के फूल ले लें या कनेर के फूल ले लें, भाई पहले उससे पूछना, क्योंकि ये वाले जो 5 कनेर के फूल आप लोग ले रहे हो, ये उपाय के लिए ले रहे हो। और भगवान शिव जी को उपाय जब हम करते हैं तो भाई पूर्ण रूप से जो है हम पूरे विधि विधान से करते हैं। तो इसलिए अगर आप किसी के घर में के अंदर जो पेड़ लगा हुआ है
कनेर का उस पेड़ से अगर ये फूल ले रहे हो तो भाई पहले उस घर के मुखिया से पूछ लेना कि हम आपके पेड़ से कनेर के फूल ले लें। अगर वो हाँ कह देता है तो भाई उसके बाद आप उसके पेड़ से 5 कनेर के फूल ले लेना। अगर कोई कनेर का पेड़ जो है ऐसे ही बाहर लगा हुआ है, खुले में लगा हुआ है, उस पर किसी का भी कब्जा नहीं है, तो भवो आप जो है बिना पूछे भी उस पेड़ में से तोड़ सकते हो। पर किसी के घर के अंदर लगा हुआ है तो भ उससे सकर ही 5 कनेर के फूल उसके पेड़ में से लेना। अब आपके पास 5 कनेर के फूल भी आ चुके हैं। अब दोस्तों, कनेर के फूल के साथ में क्या हमें सीधा उपाय करना है या कुछ सामग्री भी लेकर जाना है? तो देखो, कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो सीधा हम उपाय जाकर नहीं करते हैं, उससे पहले हम भगवान शिव जी की पूजन अर्चना भी करते हैं। तो देखो, अगर यह उपाय आप सुबह के समय कर रहे हो, प्रातःकाल कर रहे हो, तो आप लोगों को अपने साथ में कम से कम एक लोटा चल तो जरूर लेकर जाना ही जाना है। गुरुवार दशमी का दिन रहेगा, वैसे ही माताएं बहनें अपनी पूजन सामग्री लेकर जाएंगी, तो उन लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है जो प्रतिदिन शिव जी के मंदिर जाते हैं या गुरुवार दशमी के दिन अपनी पूरी पूजन सामग्री लेकर जाएंगे। भाई वो वैसे के वैसे ही लेकर जाएं, यह बात उनके लिए है जो कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे। भाई वो बस एक लोटा जल तो जरूर लेकर जाएं। अगर वह इस उपाय को 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हैं, उसी के बाद में दोस्तों शाम के समय की बात करें तो भाई शाम के समय अगर आप लोग इस 5 कनेर के फूल वाले उपाय को कर रहे हो तो अपने साथ में एक गोल बाती का घी का दीपक जरूर लेकर जाना। जो घी का दीपक लोगे वो आटे का होना चाहिए। आटे का होने के साथ में उसके अंदर गोल बाती रखा आएगी, वो गोल बाती आप अपने हाथों से बनाओगे तो ज्यादा बेहतर होगा। साथ ही में उस दीपक के अंदर जो मतलब चीज डलेगी वो डालेगी शुद्ध देसी गाय का घी। उसके अंदर शुद्ध देसी गाय का घी ही डालना, ना भैंस का डालना, ना मिलावटी बाजार का घी डालना। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखना। अगर आपको उपाय का पूर्ण फल चाहिए तो भाई करना क्या है, देखो सुबह अगर उपाय कर रहे हो ना तो अगर 12 बजे तक भी उपाय करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कर सकते हो। गुरुवार दशमी का दिन बार बार नहीं आता है, आपको पहुंचना है। सबसे पहले तो अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो, शिवालय हो, जहां पर शिवलिंग विराजित हो, वहां पर आप लोगों को पहुंच जाना है। अब वहां पर पहुंच करके सीधा हमें जाकर उपाय करने लग जाना है। नहीं, आपको पहले अपना शिव जी के मंदिर के अंदर प्रवेश करना है, भगवान शिव जी के दर्शन करना है। पहले आपको अपनी अपनी पूजन अर्चना करनी है। जैसे कि एक लोटा जल जो लेकर गए हैं भाई, वो एक लोटा जल चढ़ा दें। इसके अलावा जो भी पूजन सामग्री है आपकी, फूल, धतूरा, गुलाल, अबीर, गुलाल, जो भी चीजें हैं, चंदन वगैरह, उन सारी चीजों से आप पूजन अर्चना कर सकते हो। पर जो उपाय के 5 कनेर के फूल हैं वो आप अलग ही रखना, वो उपाय के समय ही हमें निकालने हैं। तो पहले आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना, जैसे आप शिवरात्रि के दिन करते हो, शिवरात्रि के अष्टम के दिन करते हो, वैसे आप अपनी पूजन अर्चना कर लेना। इसी तरीके से शाम के समय है, शाम के समय जब आप अपने घर के पास में जो शिव मंदिर हो वहां पर पहुंचो ग, तो पहुंचने के बाद आप पहले अपना वह घी का दीपक जलाना। अब घी का दीपक जलाने में भी इस बात का ध्यान रखना, इस घी के दीपक को आपको अपने घर से जलाकर नहीं लेकर जाना है, और मंदिर में जाकर भी जलाना है, और मंदिर में जाकर जलाओ ग, तो उसे अपनी माचिस से ही जलाना है, अपने घर से। इस दीपक को जलाने के लिए अपनी माचिस लेकर आना। अगर आपने मंदिर में किसी और की माचिस ले ली, इस दीपक को जलाने के लिए अगर आप शाम के समय इस वाले उपाय को कर रहे हो, तो भाई इस उपाय को करने का फल जो है उस व्यक्ति को भी मिल जाएगा जिस व्यक्ति की आपने माचिस ली होगी। इसलिए आप अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाएं। उसके बाद में दोस्तों, आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना है कि जब आप उस दीपक को जला दो, जलाने के बाद उस दीपक से आप चाहो तो आरती भी उतार सकते हो, अन्यथा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप उस दीपक को भगवान शिव जी के इतने पास मत रखना कि भगवान शिव जी को आंच लगी, थोड़ी दूरी बनाकर ही जो है आप उस दीपक को जो है भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में रखना, क्योंकि अभी हम जो है भगवान शिव जी को प्रसन्न करने वाले हैं, तो इसलिए जो है भगवान शिव जी को आंस ना लगे, इतनी दूरी बनाकर आप उस दीपक को रख दीजिएगा। जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है आप जल चढ़ा देते हैं, सुबह के समय गए तो जल चढ़ा देते हैं, पूजन अर्चना हो जाती है, फिर आप उसके बाद में भगवान शिव जी की शिवलिंग के पास में
कहीं पर भी बैठ जाइए, सामने बैठ जाइए या आसपास बैठ जाइए। उसी तरीके से शाम के समय है, दीपक जैसे ही लग जाए तो भाई आप अपना उपाय को यहां पर कर सकते हैं, और उपाय को करने से पहले आप अपने वह 5 कनेर के फूल निकाल लीजिए, क्योंकि अब हम यहां पर उपाय को करने वाले हैं। उपाय को करने के लिए आप शिवलिंग के सामने भी बैठ सकते हैं, आसपास भी बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हमारे पास 5 कनेर के फूल हैं, तो सीधी सी बात है कि इन 5 कनेर के फूलों को हमें 5 अलग अलग जगहों पर यहां पर चढ़ाने हैं। अब वो 5 अलग अलग जगह कौन सी हैं, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, 5 अपने कनेर के फूल आप अपने सामने निकाल कर रख लीजिए। अब 5 कनेर के फूल में से सबसे पहला वाला कनेर का फूल आप लोग उठाइए, और पहले वाले कनेर के फूल आपको कहां पर चढ़ाना है, वो आपको चढ़ाना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो गणेश जी वाला स्थान होता है वहां पर। अब भगवान शिव जी के शिवलिंग के ऊपर गणेश जी वाला स्थान कहां पर होता है? भगवान शिव जी की शिवलिंग होती है, शिवलिंग की जलाधारी होती है। जलाधारी का जो राइट हैंड साइड होगा, मतलब शिवलिंग की तरफ से खड़े होकर देखना कि भगवान शिव जी का सीधा हाथ कौन सा है, राइट हैंड साइड कौन सा है, उस राइट हैंड साइड पर आपको ये पहले नंबर का कनेर का फूल समर्पित करना है। और जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना, वो शिवलिंग की तरफ करके ही आप लोग जो है इस पहले नंबर के फूल को भगवान गणेश जी वाले स्थान पर समर्पित करना, जलाधारी के राइट हैंड साइड पर। अब दोस्तों निकाल लेना अपना दूसरे नंबर का कनेर का फूल। अब दूसरे नंबर के कनेर के फूल को आपको कहां पर समर्पित करना है, या आपको समर्पित करना है भगवान कार्तिकेय जी वाले स्थान पर। अब गणेश जी वाला स्थान राइट हैंड साइड पर होता है, तो कार्तिकेय जी वाला स्थान लेफ्ट हैंड साइड पे होता है, जलाधारी के ऊपर है। तो जलाधारी के ऊपर जो लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा है, वहां पर कार्तिकी जी के स्थान है। तो इस दूसरे नंबर के फूल को आप वहां, मतलब वहां पर समर्पित कर देना, और भगवान से प्रार्थना कर लेना, और फूल का खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ ही होना चाहिए। अब बात आती है तीसरे कनेर के फूल की, तो तीसरे कनेर के फूल को भी आपको लेना है, और इस तीसरे कनेर के फूल को आपको माता अशोक चंद्र जी वाले स्थान पर समर्पित करना है। अब ये माता अशोक चंद्र जी का स्थान कहां पर होता है दोस्तों? ये जो स्थान होता है, ये जलाधारी के बिल्कुल बीचों बीच में होता है। आपने पहला फूल भगवान गणेश जी वाले स्थान पर चढ़ाया, दूसरा फूल कार्तिकी जी वाले स्थान पर चढ़ाया, अब ये तीसरा फूल जो है इन दोनों फूलों के बीचों बीच चढ़ेगा, मतलब जहां पर माता अशोक सुंदर जी का स्थान होता है, खिला हुआ भाग शिवलिंग की तरफ करके ही जो है इस तीसरे नंबर के फूल को आप समर्पित कर देना, माता अशोक चंदी वाले स्थान पर। अब बात आती है चौथे नंबर के फूल की, तो दोस्तों जो चौथे नंबर का फूल होगा, ये आप लोगों को कहां पर समर्पित करना है? ये आप लोगों को समर्पित करना है भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर, जो एक पात्र टंगा हुआ होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, जिसके अंदर शिव जी की 5 बेटियों का स्थान होता है, जया विष हरा श्यामली बारी दौतली और देव। उस पात्र के अंदर जो है आप लोगों को क्या करना है, ये चौथे नंबर के फूल को समर्पित करना है। अगर किसी कारणवश आपका वह पात्र जो है शिवलिंग के ऊपर जो पात्र टंग हु होता है जिससे बूंद बूंद करके जल टपकता है, वह पात्र उपस्थित ना हो, तो भा आपको क्या करना है कि शिव जी की 5 बेटियों का नाम लेकर, जया विष हरा श्यामली बारी दौतली और देव का नाम लेकर जो है इस चौथे नंबर के फूल को आपको जलाधारी के ऊपर ही कटी शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, मतलब जलाधारी के ऊपर ही जो भाग होता है, वहां पर समर्पित कर देना इस चौथे नंबर के फूल को। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं आखिरी नंबर के 5वें नंबर के फूल को, जो कि आखिरी फूल है हमारा। इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, अगर आपके, मतलब जिस मंदिर में आप गए हो वहां पर अगर त्रिशूल लगा हुआ है, तो भाई त्रिशूल का एक मध्य भाग होगा जहां से वो त्रिशूल के तीनों भाग निकले हुए होंगे, तो आपको वो त्रिशूल का एक मध्य भाग देख लेना है। उस मध्य भाग पर आपको इस 5वें नंबर के कनेर के फूल को छुआ है, स्पर्श कराना है, और स्पर्श कराने के बाद इस 5वें नंबर के फूल को आपको क्या करना है, भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। अब दोस्तों अगर वह, मतलब जो है त्रिशूल ना भी हो,
आपके मंदिर में उपस्थित, तो आप सीधा सीधा ये जो पांचवें नंबर का कनेर का फूल है या भगवान शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। बस ध्यान इस बात का रखना कि जो खिला हुआ भाग है फूल का, वो सामने की तरफ होना चाहिए, जलाधारी की तरफ होना चाहिए, और डंडी का जो भाग है वो शिवलिंग के पीछे की तरफ होना चाहिए फूल की। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे ही आप लोग को ये पांचों फूल समर्पित कर दे देते हैं, वहीं पर भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में बैठकर जो है हाथ जोड़कर विनती कर अपनी वह मनोकामना बोलना, जिस मनोकामना के लिए आप लोग यह वाला उपाय कर रहे हो, अपनी वह दुख और समस्या बोलना जिसके लिए आप लोग अपना ये वाला उपाय कर रहे हो, अपनी किसी भी एक मनोकामना के लिए ये वाला उपाय करना। दो तीन मनोकामना एक साथ मत बोलना, कोई भी एक मनोकामना बोल देना अपने पांचवें नंबर के फूल को चढ़ाने के बाद, और चढ़ा दो तो भाई दो मिनट भगवान शिव जी के नाम का जाप कर लेना। उसके साथ में दोस्तों आपका ये उपाय यहां पर पूर्ण हो जाता है और आप अब भगवान शिव जी के दर्शन करके उनको धोक देकर अपने घर पर वापस जा सकते हो। इसी के साथ में दोस्तों इस उपाय को करने से आपको बहुत ही बड़ा फल मिलेगा, आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूर्ण होगी और आपको इस उपाय को करने का फल भी बहुत ही बड़ा होकर मिलेगा।